हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई है रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट, मेनली ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। कि सर, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कोई बोल रहा है ऐसा फॉर्मेट चाहिए, कोई बोल रहा है ऐसा फॉर्मेट चाहिए, सारे के सारे अलग फॉर्मेट बता रहे हैं। तो सर, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ गलत फिलअप ना कर दें। तो देखो, टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स की बात करेंगे, जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स है वो मैं सारे के सारे यहाँ पे आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे। क्योंकि देखो, जो आपका सर्टिफिकेट बनाया जाता है कास्ट का, तो उसमें क्या होता है, पहले स्टेट लेवल का बनता है, स्टेट लेवल का बनने के बाद उसको रेफरेंस लेकर फिर आपका स्टेट जो सेंट्रल जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट वाइज क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्मेट में क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आपका जैसा फॉर्मेट तैयार करिए, सेंटर सेंटर का होना कंपलसरी है, स्टेट वाला नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए सेंटर का होना चाहिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट आपका वहां पे मतलब आपके लिए तैयार करती है, सेंटर का जो सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है, वो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैलिड होता है। तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर वहां पे बोलोगे भी उनको कि हमें इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए, तो भी आपको वो यही बोलेंगे कि हमारे वाला जो फॉर्मेट है जो हम सेंटर का तैयार कर रहे हैं वो वैलिड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और हम यही तैयार करते हैं, ऐसा फॉर्मेट हम तैयार नहीं करेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बेझिझक जो आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उससे आप अप्लाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपने बात करें जो मेन पर्पज होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो क्या होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का मेन पर्पज है कि जिस रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, आप उसमें वैलिड हो या नहीं हो, एलिजिबल हो या नहीं हो। जब स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने वहां पे वेरीफाई कर दिया उस सर्टिफिकेट में, चाहे फॉर्मेट कैसा ही हो, कि ये बंदा जो है इस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उनको तो बस ये वेरीफाई करना होता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं करते। समझ में आया? उसके बाद अभी जो SBI जे 2021 है, इसके लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसकी जो उन्होंने बोला है कि कौन किस टाइम का होना चाहिए आपका, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर जॉइनिंग, मतलब यानी DV वगैरह जब आपका होगा, जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस डेट तक का कभी का भी आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है OBC का हर साल बाद क्या होता है, हर एक साल बाद क्या होता है, रीन्यू होता है, इसलिए पुराने वाला नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नया ही बनाना पड़ेगा, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, चाहे कभी का हो। ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस टाइम का बना हुआ होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई अभी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको बनवाना पड़ेगा DV से पहले पहले। क्लियर आप लोगों के? अब एक डाउट ये होता है स्टूडेंट्स के कि सर, हम अदर स्टेट से अगर अप्लाई करें तो हमारे स्टेट का वहां पे वैलिड होगा या नहीं होगा। देखो, आपके स्टेट से आप सेंटर का बनवाते हो वो ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड होता है, स्टेट का जो बनाते हो वो ओनली आपके स्टेट में वैलिड होता है, और सेंटर का जो बनता है वो ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड होता है। तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करो, आप वैलिड हो, एलिजिबल हो, आपको वहां पे एलिजिबल माना जाएगा। क्योंकि आप SBI के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो SBI सेंट्रल लेवल का मानता है, और सेंट्रल लेवल का पूरे इंडिया में वैलिड है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो इंडिया से बाहर आता हो, समझ में आ गई चीज, इसलिए पूरा पूरा आपके ऑल इंडिया लेवल पे वो वैलिड है। तो बेझिझक आप अप्लाई करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूट्यूब वाले अलग अलग फॉर्मेट क्यों बता रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बता रहे हो, और हो सकता है, जो होता ही है, मेनली व्यूज, सारा का सारा खेल है व्यूज का, कि हमारा व्यू मिले हमें। उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही है, अगर ऐसी वीडियो डालेंगे तो स्टूडेंट्स के मतलब डाइवर्ट होंगे, स्टूडेंट्स उनकी स्टडी से फोकस उनका दूर जाएगा, वो डाइवर्जन आएगा उनके अंदर, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने व्यूज से मतलब है। तो ऐसी फालतू वीडियोज पे ध्यान मत दो, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। यहाँ पे भी अपने लिए एक मोटिवेशन निकल कर आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि अपने तो ऐसे बंदे हैं जो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये मोटिवेशन है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूज्ड है, जैसे आप में कन्फ्यूजन आया वैसे उनमें भी कन्फ्यूजन आया होगा, तो वो भी क्या है, कन्फ्यूज स्टेट में है।
तो कंफ्यूजन हो सकता है थोड़े टाइम का हो, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन आएगा तो स्टडी से तो एक बार वो डाइवर्ट होंगे होंगे। और इस क्रिटिकल टाइम में अगर कोई स्टडी से डाइवर्ट होता है तो वो सिलेक्शन से थोड़ा बैक चला जाता है, कॉम्पिटिशन में वो थोड़ा बैक चला जाता है। तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है कि वो डाइवर्ट हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत चाहे 1-2% हो, लेकिन कॉम्पिटिशन अपना क्या हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो अपने लिए सिलेक्शन थोड़ा ईजी हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को मोटिवेशन की फॉर्म में लेते हुए आप अपने स्टडी पे फोकस करो और ऐसी फालतू चीजों पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्लियर आप लोगों को समझ में है? अब आई थिंक आप लोगों के आपके जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी डाउट आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको और भी कोई ऐसा डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।